चंडीगढ़ में एयरफोर्स की तरफ से होने वाले एयरफोर्स की टिकट को आज हम बुक करना सीखेंगे। किस तरह हम एयरफोर्स शो के टिकट ले सकते हैं, इसके लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके हमें चंडीगढ़ टूरिज्म की ऐप को डाउनलोड करना है। ये चंडीगढ़ टूरिज्म की ऐप है, इस ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो रही है, तब तक इंतज़ार करते हैं। हमारी जो चंडीगढ़ टूरिज्म की ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है और ये ऑटोमेटिकली खुल रही है। फ़िलहाल स्कैन कर रहा है हमारा फ़ोन और अब ये पूरी तरह से इंस्टॉल होकर स्कैन भी हो चुकी है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट, ये सब हम इसको गेट स्टार्टेड करते चले जाएंगे। यहाँ जैसे ही हम आते हैं तो चंडीगढ़ एयर शो एंट्री पास बुकिंग हमें दिखाई दे जाता है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने इस तरह का पेज खुल गया है। एंट्री फॉर द इवेंट इज़ ओनली अलाउड विद एंट्री पास एंड अ वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। तो ये दोस्तों इस तरह की हमारे सामने डिटेल आ गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इवेंट डेट लिखी हुई है 6 अक्टूबर 2022 और 8 अक्टूबर 2022 को ही होने वाला है। टाइमिंग जो है वो 2:30 से 5:30 है और रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है और जो कि 6/10/2022 को 1:30 बजे तक ओपन रहने वाला है। अब दोस्तों एंट्री टिकट लेने के लिए हम नीचे जो लिखा हुआ है लॉग इन टू ऑब्टेन एंट्री पास पे क्लिक कर देंगे। इस तरह का पेज हमारे सामने खुल जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहले से चंडीगढ़ टूरिज्म पे रजिस्टर नहीं है तो आपको साइन अप करना है, क्योंकि दोस्तों हम चंडीगढ़ टूरिज्म पे पहले से रजिस्टर नहीं थे, इसलिए अब हम साइन अप करेंगे। ये साइन अप हमने नीचे की तरफ दे दिया है, इस पे ऊपर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर हम अपना नाम वाम डाल देंगे। पासवर्ड डो जो भी आपको डालना है, वो हम साइन अप कर लेंगे। साइन अप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी बिजी हो सकती है साइट, क्योंकि पूरा चंडीगढ़ ही इस समय कर रहा होगा। अब हम इसको सेव कर लेंगे। अब हम दोबारा से चंडीगढ़ एयरफोर्स एंट्री पास बुकिंग इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये दोबारा से लोडिंग दिखा रहा है। ऑब्टेन एंट्री पास, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट डेट 6। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम 1+1 इंक्लूडिंग सेल्फ अटेंडीज कैन बी एडिट फॉर पर फोन नंबर, मतलब एक के साथ एक ही बंदा जा सकता है। यू मस्ट पार्क योर व्हीकल एट डेजिग्नेटेड एलिगेटेड पॉइंट्स एंड बोर्ड अ शटल बस टू द वेन्यू। प्लीज पिक योर शटल बस अ लाइट पॉइंट, कंसल्ट द बुकिंग एडवाइजर फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पर हमें अपनी गाड़ी को पार्क करना है। तो हम दोस्तों इसमें से चुन लेते हैं स्ट्रॉबेरी फील्ड स्कूल, इसको दोस्तों हम चुन लेते हैं। हमने इसको चुन लिया है, ये फुल हो चुका है। तो हम दूसरे पे जाएंगे, ओपन स्पेस नियर वाटर वर्क्स, यहाँ 26 चुन लेते हैं। हमने 26 चुन लिया है, ये हमें मिल गया है। और अब हम यहाँ से
को हमने चुन लिया है। यहाँ हमारी डिटेल आ गई है, एंट्री एज, हमारी एज कितनी है भैया, हम 34 साल के हो चुके हैं। सेलेक्ट जेंडर, मेल है। एंटर पोस्टल एड्रेस, हम अपना एड्रेस लिख देंगे। एड अटेंडी प्रीति गर्ग, एंट्री एज कितनी है भैया, मेरी बीवी की उम्र 91-31 साल है भैया, फीमेल, सिर्फ स्पाउस, ₹40। अब ये दोस्तों हमारा पेज जो है ओपन होना शुरू हो चुका है, इस तरह से ओपन होगा। आप देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो सकती है साइट। तो ये दोस्तों 6 तारीख की हम बुकिंग कर रहे हैं, 8 तारीख की बुकिंग के लिए हमें अलग से डाटा देना होगा। अब पता नहीं इतना स्लो क्यों हो रहा है, अभी तक तो कुछ दिखाया नहीं है इसने, टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। सब कुछ गायब हो चुका है। ये रहा, वी आर रिडायरेक्टिंग यू द पेमेंट पेज। ये दोस्तों टाइम लेगा तो आपको भयभीत नहीं होना है, कभी आप पीछे का बैक बटन दबा दो तो बैक बटन आपको बिल्कुल नहीं दबाना है, क्योंकि इससे आपको दोबारा से सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि इस समय जो साइट है वो स्लो है, काफ़ी काफ़ी लोग कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फाइनली ये हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है और आपको कंटिन्यूटी में इसको करते रहना है। यहाँ आप देख सकते हैं चूज़ अ पेमेंट ऑप्शन, पेएबल नाउ ₹40। तो दोस्तों ₹40 पे कर देंगे, पेमेंट ऑप्शन अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें कई सारे तरीके से आप कर सकते हैं पेमेंट को, कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं। दोस्तों हम कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, अब हम कार्ड नंबर, कार्ड की डिटेल्स जो भी हैं सारी सारी चीज़ें हम डाल देंगे। यहाँ हमने अपने कार्ड की डिटेल्स डाल दी हैं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने इसको हाइड कर दिया है, अब हम प्रोसीड कर देंगे। ये दोस्तों प्रोसेसिंग योर पेमेंट हो रहा है, बहुत लंबा लेंथी प्रोसीजर है लेकिन जेन्युइन प्रोसीजर है। 48-01-52 मेगा पेमेंट पेमेंट कर देंगे। योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड, हम देख रहे हैं पेमेंट पेज शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ओके। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, हमारे पास मैसेज भी आ गया है, और हम व्यू एंट्री पास देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा जो एंट्री पास है वो हमारे सामने आ चुका है, तो इस तरह से हमें एंट्री पास मिलेगा। तो दोस्तों यही तरीका था अपना एंट्री पास लेने का। अब हम इसकी एंट्री पास की भैया वो ले लेंगे, ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये अब दोस्तों इसी स्क्रीनशॉट के आधार पर हम अपना जो वहाँ पे एंट्री है उसको कर लेंगे। तो ये दोस्तों ये तरीका था अपना रजिस्ट्रेशन करने का। अब हम